हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड द योर वेट। तो गाइस, आज की जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। अगर गाइस आप इस वीडियो का एंड तक देखोगे तो आपको फुल्ली पता चल जाएगा कि पायोमेट्रा क्या होता है फीमेल डॉग के अंदर, इसका एक प्रॉपर एक ट्रीटमेंट क्या है, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, इसकी एक नॉर्मल एक परिभाषा क्या है, यानी इसकी एक डेफिनेशन क्या है। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो गाइस, आपको जैसे स्क्रीन पे फोटोग्राफ ये दिख रही होगी, तो गाइस इस फोटो में क्या है, वेजाइनल डिस्चार्ज आपको शो हो रहा है, यानी जो ये गाइस जो डिस्चार्ज है ये कहां से आ रहा है, ये यूट्रस से आ रहा है। तो गाइस पायोमेट्रा क्या होता है कि पस इन द यूट्रस, बेसिक सी अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं, अगर यूट्रस के अंदर पस फिलअप हो जाती है तो वो पायोमेट्रा कहलाती है। तो गाइस ये एक टाइप का सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, जो बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से पस की डेवलपमेंट हो जाती है। तो गाइस इसके अंदर क्या होता है, एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। वैसे तो फीमेल जो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, लेकिन जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है, ईस्ट्रस की जो साइकिल जो चल रही होती है, तब जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है पायोमेट्रा के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। अब गाइस जैसे ही ये जो लेवल बढ़ेगा तब क्या होगा गाइस, बहुत ही जो यूट्रस है वो डेवलप हो जाएगा प्रेगनेंसी के लिए। बट गाइस कई बार क्या होता है, उस लेवल के बढ़ने की वजह से जो सिस्टिक जो लाइनिंग होती है, यानी यूट्रस में एक लाइनिंग पाई जाती है जहाँ पे सिस्टिक एक लाइनिंग जिसे हम बोल सकते हैं, वहाँ एक फ्लूड क्रिएट होगा। अब जो ये जो फ्लूड क्रिएट हो रहा है, ये जो स्टेबल रहेगा, ऐड रहेगा, स्टोर रहेगा यूट्रस के अंदर, बिकॉज सर्विक्स क्लोज हो चुका है जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं। तो गाइस माइंड के अंदर एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में उठता है कि ये जो सर्विक्स के अंदर से जो हमारा जो बैक्टीरिया आया है वो कहाँ था, बिकॉज ये जो पस की जो डेवलपमेंट हो रही है वो बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, तो हम इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। तो गाइस इसके अंदर क्या होता है, वेजाइना के ऊपर ये पाया जाता है, तो वेजाइना से सर्विक्स होते हुए ये यूट्रस के अंदर एंटर करता है ये जो बैक्टीरिया है, बहुत ही खतरनाक एक बैक्टीरिया है। और गाइस ये किस टाइम आता है आपके डॉग के यूट्रस के अंदर, जब हम मेटिंग की प्रोसेस करवाते हैं। एक माइंड के अंदर और भी क्वेश्चन आता है गाइस, ये जो बीमारी जो होती है मैक्सिमम कितनी एज के जो फीमेल जो डॉग होती है उनके अंदर पाई जाती है। तो गाइस जो मिडिल एज की जो फीमेल जो डॉग होती है, जिनकी ईस्ट्रस भी जो लास्ट ही चल रही होती है, उस टाइम के अंदर उस ड्यूरिंग में ये उस टाइम के दौरान ये आपके जो डॉग के अंदर होने वाली एक भयंकर एक बीमारी है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपको पस सीन होगा, यानी आपको पस दिखेगी। तो गाइस जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, पस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शो हो रही है। तो गाइस ये जो जितना भी जो प्रोसेस हुआ है, जितनी भी जो प्रोसेस हुई है, जो थिकनेस हो गई है यूट्रस की सिस्टिक लाइनिंग की वजह से, वहाँ पर एक फ्लूड जनरेट हो गया है, वो पस जनरेट हो गया है। अब सर्विक्स क्लोज है तो वो पस बाहर नहीं आ पाएगा। तो गाइस ये दो टाइप के पस हो सकते हैं, या पायोमेट्रा भी हो सकता है, दो टाइप का, ओपन और क्लोज पायोमेट्रा हो सकता है। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा डीपली थिंग्स होती है, वीडियो में मैं नहीं शेयर करना चाहूँगा बिकॉज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आई थिंक आपका इंटरेस्ट भी नहीं बन रहा है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सीरियस एक बीमारी है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो गाइस हमने अगर बात करते हैं कि ये जो कितनी जो डॉग की जो एज होती है जिसके अंदर होने वाली बीमारी है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मिडिल एज की जो डॉग जो ब्रीड होती है उसके अंदर ये मैक्सिमम होता है। तो गाइस इसकी अगर हम सिम्टम्स की बात करें, आपको गाइस पस नज़र आएगा, यानी पस निकलता हुआ नज़र आएगा वेजाइना से। तो गाइस इसके अंदर पस जो होता है वो वाइटिश हो सकता है, थोड़ा सा येलोविश हो सकता है, थोड़ा सा क्रीमिश भी हो सकता है। इसमें गाइस आपकी जो फीमेल जो डॉग है एनोरेक्टिक हो जाएगी, मीन्स एनोरेक्सिया का शिकार हो जाएगी, उस खाना पीना बिल्कुल छोड़ देगी, लेथर्जिक कंडीशन में चली जाएगी, बहुत ज्यादा सुस्त हो जाएगी, थोड़ा सा जैसे वो पेन की जो आवाज़ होती है ना डॉग निकालता है, तो उस टाइप की फीलिंग भी आएगी। आप खुद भी नज़र कर सकते हो, आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, डायग्नोस कर रहे हो, घर रहते भी इसको डायग्नोस कर सकते हो। और गाइस इसके अंदर वोमिशन भी दिखता है, यानी वोमिटिंग होगी आपके जो डॉग को, डायरिया भी हो सकता है आपके डॉग को। ये गाइस कुछ एक बेसिक एक सिम्टम थे जो मैंने आपको बता दिए। तो गाइस अगर हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, या हम जो ट्रीटमेंट से पहले जो चीज़ें करते हैं, तो गाइस उसके अंदर आपको पस सीन होगी, तो उसी पस के बेस पे आप इमीडिएटली नियर बाय वेट से कॉन्टैक्ट करना और अपने वेट को अच्छे से बताना कि इतने टाइम में इतना ये पस आना स्टार्ट हुआ है और जो मेरा जो डॉग है या कैट है बहुत ही प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, तो सर मुझे इसका ट्रीटमेंट करवाइए, काफ़ी प्रॉब्लम में हूँ मैं। बिकॉज बहुत ही एक प्रॉब्लम वाली बात ही है, बिकॉज कहीं भी जब आपका जो डॉग बैठता है, यानी जब वो सिटिंग की पोजिशन होती है, जो लेइंग डाउन की जो पोजिशन होती है, तब आपके जो डॉग के जो वेजाइना से वेजाइनल डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस ये एक
बहुत ही एक भद्दा सा लगता है, गंदा सा लगता है, हमें बहुत ही इरिटेट करता है, और हमारा जो डॉग है, हमारी जो फीमेल जो डॉग है वो बहुत पेन में भी होती है। तो गाइस अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताएं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी वीडियो का, तो गाइस इसके अंदर क्या होता है, आपके जो वेटनेरियन जो असिस्टेंट या वेटनरी या डॉक्टर या कोई भी ऐसा जो बंदा हो जिसको नॉलेज हो वेटनरी के बारे में, उसके सलाह पे ही आप ट्रीटमेंट करवाइए। आपको गाइस वेटनरी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है, जो एक वेल एक जो क्वालिफाइड जो डॉक्टर होते हैं, बिकॉज वही एक सर्जिकल रिमूव करेंगे यूट्रस का, और जो ओवरीज होती हैं, जो इन्फेक्टेड ओवरीज वगैरह होती हैं उनका रिमूवल होगा, सर्जिकल रिमूवल होगा। दूसरा ट्रीटमेंट ये है गाइस, कई बार क्या होता है गाइस, इस जो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज करने के लिए हमें कुछ अदर ऐसे हॉर्मोन्स ऐड करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो डाउन चला जाता है। अब गाइस वो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को डाउन करने के लिए एक ग्रुप है जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिंस बोलते हैं। ये एक हार्मोन का ग्रुप होता है। आपके जो वेट को अगर आप बताओगे, आपके वेट खुद भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप इन मेडिसिन का यूज कर सकते हो। तो गाइस हमारी जो ये वीडियो है, ये एक जो एजुकेशनल एक वीडियो है, ताकि आपको पता हो, आपको नॉलेज हो इस चीज के बारे में। अगर बाई चांस आपका जो फीमेल जो डॉग है सफर कर रही है इस बीमारी से, तब एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए ना ये बीमारी है क्या, किस वजह से हो रही है। तो गाइस उसी का एक प्रॉपर आपको एक ट्रीटमेंट करवाना है। तो गाइस आज की जो हमने जो वीडियो बनाई है, हमने काफी मेहनत की है इस वीडियो पे, बिकॉज गाइस ये एक ऐसा एक टॉपिक है जो बहुत ही डीपली है। मैंने तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया है, लेकिन अगर हम गाइस हमारी जो वेटनरी जो लैंग्वेज है, हमारी जो वेटनरी एजुकेशन है, उसके अंदर अगर मैं आपको बताता, तो ये जो वीडियो है 15 या 20 मिनट की होने वाली थी। बट गाइस मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया है, मुझे पता है आपको समझ में भी नहीं आया होगा, कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ कुछ नहीं समझ में आया होगा। अगर गाइस आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे हमें फॉलो कीजिए, हमारा पेज है द पेट विजन के नाम से, वहां पे हमसे बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, हम आपको गाइड करेंगे, उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा, माइंड से बिल्कुल निकाल दो, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर, और गाइज हमारे चैनल को आप शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।